हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये स्टोरी का एपिसोड 9 है, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में लिन यान श्यामो के साथ कहीं पर जा रही थी, जहां पर वो श्यामो से कहती है कि मुझे एविडेंस लिली ने दे दिए हैं। पर श्यामो को भरोसा नहीं हो रहा था कि लिली इतनी आसानी से ऐसे ही एविडेंस नहीं दे सकती। पर लिन यान कहती है ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर लिली से छोटी बात अच्छे से करो तो वो हर बात मान जाती है, और मैंने भी वैसे ही किया जैसा लिली चाहती थी। और फिर घर पर वापस आने के बाद वो दोनों उन्हीं एविडेंस पर काम कर रहे थे, जहां पर श्यामो वो एविडेंस देकर कहता है कि इसमें सारे एविडेंस है जो तुम्हें लिली ने दिए है। ये देख कर लिन यान सभी डायरेक्टर को मीटिंग में बुला लो। फिर हम मीटिंग का सीन देखते है, जहाँ पर लिन यान सभी बोर्ड मेंबर्स को बता रही थी। वो चेंजुन को कहती है, इस चीज के बारे में तुम सब लोगों को बताना पसंद करोगे, और अगर तुम नहीं बोलोगे फिर भी मेरे पास एक गवाह है। लेकिन उस गवाह को चेंजुन बुला लेता है, मतलब जो गवाह थी वो लिली थी, और वो एक बार फिर से वो लिन यान को धोखा दे दिया था। वो चेंजुन के साथ मिल चुकी थी और उसने ये एविडेंस भी झूठे दिए है। हम फ्लैशबैक में देखते है कि लिन यान जब वहाँ से जा रही थी तो लिली पीछे से चेंजुन को कॉल करके कहती है कि मैंने अपना काम कर दिया है। तो जिस पर चेंजुन कहता है हम उससे वो हर वो चीज ले लेंगे, और तुमने जो एविडेंस दिए हैं वो भी सारे झूठे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर तो लिन यान काफी शॉक हो जाती है, और वो लिली को कहती है कि लिली मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तुम इस चांस में अपनी लाइफ बेटर कर सकती थी, पर तुमने चेंजुन का ही साथ दिया। और इसके बाद लिन यान भी सभी डायरेक्टर्स को एक फाइल देती है, जिसमें लिली ने चेंजुन के बारे में वो हर एक बात लिखी थी। चेंजुन के सारे रिकॉर्ड्स लिखे हुए थे, क्योंकि लिन यान को पता था कि लिली ने उसे झूठे सबूत दिए हैं, और उन्हीं सबूतों के हेल्प से वो दोनों असली सबूत चेंजुन के बारे में ढूंढ लिया कि उसने कहां कहां से पैसे लिए हैं और कौन कौन से कागज पर साइन किए हैं। ये बात सुनकर चेंजुन तो शॉक हो जाता है और कहता है कि अब तुम मुझ पर ये इल्जाम लगा रही हो, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं, जिस जिस जगह पर जो सिग्नेचर किए हुए हैं वो लिली ने किए हैं। ये बात सुनने के बाद लिली को याद आता है कि एक दिन चेंजुन कहीं पर गया था, तभी चेंजुन ने कॉल किया था कि मेरी जगह पर तुम अपने सिग्नेचर कर दो, और वो साइन कराकर कहता है कि फ्यूचर में हम दोनों का पैसा एक ही होगा और मैं सबसे ज्यादा तुम पर ही यकीन करता हूँ। तो लिली भी इस बात से हैप्पी हो जाती है, लेकिन लिली को इस बात का पता नहीं था कि चेंजुन उसे जाल में फंसा रहा है। असल में तो चेंजुन ने इसलिए साइन करवाया था ताकि फ्यूचर में कभी भी वो पकड़ा जाए या किसी की पोल खुल जाए तो वो लिली को आसानी से फंसा सकता है। तो चेंजुन कहता है अगर आपको देखना ही है तो आपको सीसीटीवी फुटेज में वो दिख जाएगी, जो कि उसमें हर एक बार उसकी चेयर पर लिली ही बैठी हुई थी। ये बात सुनने के बाद लिली भी चेंजुन को मारने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर गार्ड आकर लिली को ले जाते हैं। लिली तो बेचारी गिड़गिड़ाती रहती है, और लिन यान तो चेंजुन को जेल भेजना चाहती थी, लेकिन उसकी जगह पर तो लिली पहुँच गई। अब लिली जो पहले ही पुअर फैमिली से आई थी वो और भी ज्यादा गरीब हो गई, लेकिन फिर भी लिन यान को सबसे ज्यादा चेंजुन पर गुस्सा था। चेंजुन लिन यान को कहता है कि तुम मुझे निकालना चाहती हो, पर तुम्हें वो दिन याद है कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया, और चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें पा लूंगा। जिस पर लिन यान कहती है, हाँ मुझे ये भी याद है कि तुमने मुझे ऊपर से नीचे गिरते हुए भी देखा है, तब तुम्हें अपना प्यार याद नहीं आया। तो जिस पर वो कहता है, जब ये बात ऊपर ही चुकी है तो मैं तुम्हें ये भी बता दूं, मुझे स्टार्टिंग से तुम्हारे नाटक के बारे में पता था कि तुम नाटक कर रही हो, कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो मैं भी तुम्हारे एक्टिंग के साथ चलता रहता था कि तुम जैसा कह रही हो वैसा ही मैं तुम्हें करने दूं, और मुझे ये भी पता था तुम मेरे हर रिकॉर्ड के बारे में देखोगी, इसीलिए मैंने उसमें लिली को फंसा दिया ताकि मैं तुम्हारे हाथ ना आ पाऊं, बल्कि लिली तुम्हारे हाथ से निकल जाए, और मैं तो रिजाइन देने के बाद अब्रॉड चला जाऊंगा और देखता हूँ कि मुझे कौन रखता है और क्या होता है। जो मेरे पास में है वो तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि तुम एक्टिंग इसलिए ही कर रही थी कि ताकि मेरे पास जो कुछ भी हो वो तुम ले लो, जो मैंने लिन ग्रुप से लिया है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए वहाँ से जाने तो लगता है, लेकिन जाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पास शाम को भी नहीं रहने दूंगा, और तुम देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। अब लिन यान उसकी बातें सुनने के बाद जब लिन यान घर पर आती है तो वो शामो से कहती है कि वो मेरे डेट की सारी चीजें लेने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं उसके साथ हो जाऊँ। लेकिन शामो मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुमने हार मान ली है तो मैं उससे जाकर बात करता हूँ। लेकिन लिन यान उसे रोक कर कहती है, शामो आज से मैंने तुम्हें जॉब से फायर किया,
ये बात सुनकर श्याम उसकी तरफ देखकर कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, जो हमारे दरमियान जो फीलिंग्स थी उसका क्या? तो वो कहती है, मैंने तो तुमसे कभी प्यार नहीं किया, वो तो सब दिखावा था श्याम, दोबारा से बोलना। तो लिन यान उसकी आंखों में देखकर दोबारा से कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पर श्याम को तो अभी भी यकीन नहीं था, तो वो जबरदस्ती लिन यान को किस करने लग जाता है। पर लिन यान उसे अपने से दूर करती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। और श्याम कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर, और वो सारा गुस्सा अपनी तेज बाइक चला कर निकालता है। और दूसरी तरफ लिन यान जो उसकी दी हुई ब्रेसलेट को देख रही होती है, तभी उसे कॉल आता है। तो उसे पता चलता है कि श्याम का एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में आती है। वहाँ पर उसके गार्ड से मिलती है जो उसे बताता है कि श्याम अंदर लेटा हुआ है क्योंकि श्याम की डेथ हो चुकी थी। लिन यान तो ये देखकर उसके पास जाती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि जो भी मैंने तुमसे बात कही थी वो सच नहीं थी, बिल्कुल झूठ थी, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, वो तो बस मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया था कि तुम मेरे साथ बर्बाद ना हो। तो और भी ज्यादा लिन यान रोही जा रही थी। तो इतने में पता चलता है कि श्याम तो एक्टिंग कर रहा था मरने की, वो तो ठीक था बिल्कुल। वो कहता है, तुमने जो अभी बातें कही वो फिर से क्या बोल सकती हो? जबकि बाकी के सारे बॉडीगार्ड जो पीछे खड़े हुए थे वो कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन गधनी, आपको आपकी वाइफ मिल चुकी है। तो लिन यान उस पर काफी गुस्सा होती है, तो जिस पर श्याम कहता है, तुमने अभी जो बातें कही वो सच थी। तो जिस पर लिन यान कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो जिस पर श्याम कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। पर लिन यान, तो तुमने डेथ पेपर पर साइन किया था वो क्या था? तो जिस पर वो कहते हैं, तो जिस पर वो गार्ड कहते हैं कि वो तो हमने इसके डिस्चार्ज पेपर रेडी किए हुए थे क्योंकि इनकी तबीयत ठीक है। और श्याम भी कहता है, डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूँ, पर लिन यान तो उसे मारा ही जा रही थी। तो जिस पर श्याम कहता है, अगर मैं मरा नहीं था तो अब मर जाऊंगा तुम्हारे मारने से। तो लिन यान फौरन से रुक जाती है और कहने लगती है कि तुम सच में ठीक तो हो ना, और तुमने क्या सुना? तो श्याम उसके क्लोज जाकर कहता है और पीछे से अपने गार्ड से रिंग मंगवाने लगता है और रिंग उसे पहना देता है। और रिंग पहना कर कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत होना, बस मैंने ऐसे ही रिंग पहना दी है ताकि मैं तुम्हें बुक कर लूं कि तुम मेरी हो। तो वो कहती है, अच्छा तुमने मुझे बुक किया है तो इसका मैं अपना माइंड चेंज कर सकती हूँ। तो श्याम ये बात सुनते ही उसको किस कर लेता है और किस करके कहता है कि अब मैंने इस बुकिंग पर अपना स्टैंप लगा दिया है ताकि तुम अब किसी की भी नहीं हो सकती, बस तुम सिर्फ मेरी हो। गार्ड ये सब कुछ देखकर कहने लगते हैं कि अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए हम तो यहाँ से जा रहे हैं। वैसे भी सामू ब्रदर तो ज्यादा ही कुछ लबी डबी हो रहे हैं, वो बेचारे तो वहाँ से मुँह फिरा कर चले जाते हैं। और फिर श्याम और लिन यान बस एक दूसरे को देख रहे थे और फिर वो दोनों एक साथ रात को सोए थे। उसके पहले तो श्याम जग जाता है लेकिन वो सोने का नाटक करता है। और लिन यान जब उठती है तो उसे देखकर कहती है कि उसकी आईज कितनी अच्छी है, मुझसे भी लंबी है। और उसके फेस के बारे में बात ही कर रही थी कि इतना प्यारा था तो मैंने उसे नोटिस क्यों नहीं किया पहले, मैं इतना लेट क्यों हो गई उसे नोटिस करने में। और ऐसे करते करते उसका हाथ उसकी चोट पर भी पहुंच जाता है जहां पर उसे गोली लगी थी। उसे हाथ लगाते हुए वो सोच रही थी कि क्या इसे दर्द होता होगा और इसे ये निशान कैसे हुआ। श्याम तो उसकी सारी बातें सुनकर स्माइल कर रहा था और जब उसका हाथ पकड़ता है तो लिन यान कहती है, तुम कब से जागे हुए हो? तो वो कहता है कि तुम्हारे उठने से मैं पहले उठा हूँ। तो लिन यान उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे बारे में जो रूमर्स है वो क्या है, क्या वो सारे रूमर्स सच है? तो वो कहने लगता है, कैसे रूमर्स? तो लिन यान उसे कहती है इस निशान के। तो जिस पर वो कहता है, जब मैं आर्मी में था तब मुझे एक मिशन पर जाना था, तब वहाँ पर सभी राइवल्स थे, उन्होंने मेरे दोस्तों को अपने पास रख लिया था, इसीलिए मुझे अपनी टीम को और मेरे भाई को भी मुझे बचाना था, इसीलिए मैंने सबका मुकाबला करके उसे हरा दिया था। लेकिन जब मैं अपने भाई को बचाने जा रहा था तब मुझे किसी ने गोली मार दी थी जिसकी वजह से यह निशान है और कुछ भी नहीं। तो लिन यान कहती है, तुम्हें उस टाइम पर काफी दर्द हो रहा होगा ना? तो श्याम कहता है हाँ। तो ये बात सुनकर लिन यान दोबारा से श्याम के शोल्डर पर अपना सर रख के सो जाती है। और फिर श्याम लिन यान के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था जिसे देखकर वो तो काफी हैप्पी हो रही थी कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। और फिर लिन यान पीछे से आकर श्याम को बैक हग करती है, वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा ना? तो वो कहता है, नहीं नहीं मुझे नहीं होता। लेकिन फिर भी लिन यान बार बार उसी के बारे में ही पूछे जा रही थी। तो श्याम कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें अपनी बॉडी दोबारा से दिखा सकता हूँ। ये कहकर शर्ट के बटन ओपन करने जा रहा था तो वो कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अब तुम मुझे बताओ कि तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगी। ये कहकर वो बनाने जाने ही लगती है
तो वो उसे पकड़ के एक जगह पर बिठा कर कहता है कि क्या तुम सच में बना लोगी? तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इस बार खाना बनाओगी तो पूरा किचन ब्लास्ट कर दोगी? तो वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो वो कहता है, मुझे मीट खाना है। तो वो कहती है, इतनी सुबह सुबह मीट कौन खाता है? तो वो लिथियन को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। तो लिथियन कहती है, तुम अपने दिमाग में ये क्या खिचड़ी बना रहे हो? तो वो कहता है, नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो बस मीट के बारे में सोच रहा था। लास्ट नाइट वाला मीट कितना अच्छा था, वैसे तुम क्या सोच रही थी? तो जिस पर लिथियन कहती है, अच्छा तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या पक रहा है। तो श्यामू कहता है, तुमने मेरे साथ अभी तक जितनी भी बेरुखी से बात की है, मैं उसका बदला तो जरूर लूंगा। तो जिस पर लिथियन भी कहती है, तुमने मुझसे जितना झूठ बोले है उसका हिसाब भी मैं तुमसे लूंगी। तो श्यामू जिस पर उसके करीब आता है, तो लिथियन उसे रोक के वहां से चली जाती है। और जैसे ही वो रूम में जाती है, तो वो देखती है कि श्यामू के फोन पर एक कॉल आ रही थी, जिस पर वो श्यामू को आवाज देती है, लेकिन श्यामू उसकी बात नहीं सुनता। तो वो जैसे ही कॉल उठाने जाती है, तभी उसमें एक मैसेज आता है जिसे वो रीड करती है कि जिसमें लिखा था कि तुम दोपहर में ही मिमती आ जाना। और मिमती एक कंपनी का नाम है, जिस पर लिथियन सोचती है कि इसे मिमती में क्यों बुलाया गया है। और बाद में ऑफिस में भी वो उसी के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहां पर कोई आता है जो कहता है, आपको मिस्टर जाओ बुला रहे हैं। और ये बात सुनकर लिथियन भी वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ श्यामू उसी आदमी के पास आ जाता है। वो आदमी उसे फिर से कहता है कि मैं तुम्हें याद करा दूं कि तुम मिमती से ही बिलोंग करते हो, तुम इस बात को कभी मत भूलना और मैं उस टाइम का वेट करूंगा। लेकिन श्यामू तो बस शांत खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कहता। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।